नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक बड़ा कंपनी है, और साथ ही साथ देखा जाए तो टाटा स्टील ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया कोविड के बाद, वो कुछ शानदार तरीके से परफॉर्मेंस है। और वो भी देखिए कंपनी ने क्या किया था, इस बार स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। तो कंपनी स्प्लिट भी किए, और कंपनी को एक के बदले हर व्यक्ति को 10 शेयर दिन मतलब दिया था, और वो भी कब दिया था आप देखेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 28 जुलाई में, और तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। तो इस स्प्लिट देने के कारण कंपनी का शेयर प्राइस 100 के नीचे भी आ गया था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाऊंगा। तो फाइनली क्या बना, फाइनली एक पैटर्न स्केट हुआ, और वो भी पैटर्न देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न का। तो पहले कप बना, उसके बाद हैंडल बना, और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। और देखिए जब भी हायर लेवल में ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होता है, मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि रिट्रेसमेंट होने देना चाहिए। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद और भी करेक्शन हुआ, और स्ट्रांगली एक सपोर्ट रेंज को फेस किया जहाँ पे 2 बार सपोर्ट था। उसके साथ साथ 200 डेज EMA का भी सपोर्ट था। 80 सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में गया, और मेरे हिसाब से यहाँ पे इजी तरीके से टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट थोड़ा सा हर दिन वोलेटिलिटी में है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। उस बेसिस में देखा जाए कंपनीज के ऊपर जो टारगेट अचीव करने का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है वो टोटली एक अपट्रेंड जैसा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे रिटेस्ट करके बार बार वो रिटेस्ट करके यहाँ तक टारगेट बना सकते हैं। टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 147 के आसपास, और ये जो टारगेट है वो करीबन 18% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो जब एंट्री बना था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया, और अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर सिचुएशन जो है वो टारगेट के नज़दीक जा रहा है। बाकी देखा जाएगा कब टारगेट होगा। तो इस कंपनी के ऊपर टारगेट लेने के मतलब एंट्री लेने के पीछे रीज़न कौन सा था, रीज़न सिंपल था। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में चेंजिंग देखने को मिला, कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन कर रहा है, और इस बार कंपनी का एक बिग लॉस हुआ, और लॉस एक्चुअली कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर नहीं हुआ। कंपनी के देखिए सेल्स होने के बाद एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो ठीक ठाक था। अभी देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा लॉसेस में इसीलिए चला गया क्योंकि कंपनी का आधा इनकम में बिग लॉसेस हुआ। तो यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग लॉसेस देखने को मिले। अभी देखिए आज इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला। तो प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है, FSDS पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिले। तो एक अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इसी कारण के वजह से मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूँ तो जो वॉल्यूम है वो एक ही रेंज के आसपास है, 40-50% के आसपास। तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट होता देखने को मिले। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी के ऊपर भी एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, वो कुछ इस तरीके से बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न बना, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। कन्फर्मेशन होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक बार रिट्रेसमेंट किया, और देखिए कंपनी यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए देखिए 200 डेज EMA के आसपास है, तो 200 डेज EMA के आसपास हो मतलब यहाँ पे उसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने का चांसेस रहेगा, क्योंकि जब जब 200 डेज को EMA को रिटेस्ट करते हैं तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल को टच करने के बाद वो वापस जाने का कोशिश करता है। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना वो सिचुएशन फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इस कंपनी के ऊपर मेरा ट्रेड लेने का मकसद जो था वो आप देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट, आप यहाँ पे ध्यान से देखना 2300 करोड़ से थोड़ा सा कम होकर 23,000 करोड़ से कम होकर 20,000 करोड़ बना, उसके बाद फिर से 2600 करोड़ बना, 26,000 करोड़ बना, उसके बाद अभी देखिए 2600 करोड़ बना सितंबर मंथ में, और उसके बाद अभी
37,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो इसका मतलब कंपनी लगातार खुद को सेल्स का जो है वो ग्रोथ कराते चले गए। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। इस कंपनी का अभी एक वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी बता रहा है कि 2025 से पहले कोई भी ईवीज मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे। तो ईवीज का जो प्रोजेक्ट है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उस जगह पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे टाटा मोटर्स। और इस मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में टाटा मोटर्स बहुत तेज़ी से ईवीज के ऊपर काम कर रहा है और मारुति सुजुकी यही कहा कि मैं 2025 से पहले कोई भी मार्केट में ईवी लॉन्च नहीं करूँगा। तो अभी होगा क्या फ्यूचर में वो तो फ्यूचर ही बताएगा। तो मारुति कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, मारुति इंडिया की सबसे बड़ा कंपनी है और जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है उनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मारुति के ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है वो एकदम ना के बराबर है, मतलब जीरो कर्जा बोल सकते हैं। और कंपनी का बोरिंग मतलब रिजर्व जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और अदर्स लाइबिलिटी भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। लाइबिलिटी में एक चीज़ देखना कि कंपनी के जो ट्रेड ट्रेड्स पेबल है, मतलब कंपनी को कितना पैसा देना बाकी है। तो देखिए इस बार हाईएस्ट पैसा देना बाकी है करीबन 13,800 करोड़ के आसपास। उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो आदर्स एसेट है वो देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 4,500 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छा खासा ट्रेड रिसीव हुआ, तो मतलब प्रोजेक्ट मिला और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 2,600 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। और बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसी बेसिस में कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा है वो आप देखेंगे तो वॉल्यूम कुछ शानदार तरीके से देखने को मिले। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। यहाँ पे क्या बना, कफ विद हैंडल पैटर्न बना और हैंडल बनने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके वो अप ट्रेंड में जाने का कोशिश करेंगे। तो अभी टारगेट कब होगा वो तो यहाँ पे पता नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं इंतजार करूंगा इस टारगेट पाने के लिए। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है DLF। देखिए DLF ने धमाका परफॉर्मेंस किया, ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर कंपनी हर व्यक्ति का फंड 2x कर दिया, दोगुना से भी ज़्यादा कर दिया। क्योंकि आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न एक शानदार तरीके से पैटर्न स्केट हुआ था और वो पैटर्न जो बनना था वो आज का नहीं बहुत पुराना पैटर्न है। 2000 मतलब देखा जाए तो 2010 से लेकर एक पैटर्न स्केट हुआ और 2010 से लेकर 2022 तक एक कप बना, यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए किस तरीके से कंपनी ऊपर जा रहा है। देखिए यही होते हैं पावर कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनता है, जब भी उसको ब्रेकआउट करते हैं तो ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली कंपनी देखिए लगातार हायर हाई करते करते ऊपर जा रहा है। और अगर इस लेवल को कंपनी टच करे, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 823 रुपीज़ के आसपास। तो अगर 823 रुपीज़ के आसपास टारगेट का अचीव करे तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो टारगेट बनेगा 84% के आसपास, और वो भी जो टारगेट बनने जा रहा है वो एक साल के अंदर अंदर। तो सोचिए इस तरीके से टारगेट जब बनता है, जब एंट्री बनता है, टारगेट बनता है, तो आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कंपनी के ऊपर ऐसे क्या हुआ जिसके चलते इतना शानदार मोमेंटम आया। देखिए कंपनी के जो डेप्थ है वो तो जीरो है, आप जानते हैं, इनकम अच्छा खासा है और ROC ROE दोनों ही मतलब उतना खास नहीं है, एक एवरेज लेवल के नीचे है। सबसे मज़ेदार बात यही है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए सेल्स में 1600 करोड़ से 1400 करोड़ हो गया था, उसके बाद 1300 करोड़ बना, इस बार भी 1300 करोड़ बना। इसका मतलब सेल्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 228, 338, 477 और 622, मतलब कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए और यही प्रॉफिट बढ़ने के कारण इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड बना। अभी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स जो है वो भी धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले और यही कारण के वजह से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना। देखिए कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ वो तो इम्पोर्टेंस है, उसके साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने कितना कर्जे को कम किया वो भी इम्पोर्टेंस है। कर्जा देखिए यहाँ पे ना के बराबर लेके आए, तो ये एक बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। अभी
इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो आदास जो एसेट है, आदास एसेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए कंपनी के जो एसेट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। कंपनी के एसेट में कंपनी कितना ट्रेड को रिसीव किया, आप देखिए कंपनी को प्रोजेक्ट मिला करीबन 540 करोड़ के आसपास। कंपनी का जो इन्वेंटरी है वो भी एक ही रेंज के ऊपर है, पहले जितना था आज भी उतना ही है। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर देखिए FSDS पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर मतलब बने हुए थे। तो ये सारे कारण के वजह से एक शानदार तरीके से ट्रेड बना, और वो ट्रेड मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे जो ट्रेड बना उस ट्रेड को ब्रेकआउट करने के बाद, कफ विद हैंड पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और बहुत तेजी से वो टारगेट को अचीव कर रहा है। तो आई होप इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप मेरे चैनल के माध्यम से मतलब सीखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए। और अब लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है, इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट रखा, वो है स्प्लिट का, सॉरी इस कंपनी, हाँ स्प्लिट का अपडेट, सॉरी स्प्लिट नहीं, बोनस का अपडेट रखा। और वो भी कितना बोनस का, 4:1 का बोनस कंपनी देने वाला है। तो उसका डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, पता जा रहा है कि क्वार्टर के लिए जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में इस तरीके से अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और इसी तरीके से अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।